तो क्या आप जानते हैं परमैन नंबर 5 का भी कोई बंदा था? अगर नहीं जानते तो वैसे मुझे भी नहीं पता था कुछ हफ्ते पहले तक तो मैंने अभी पता लगाया है। एक कॉमिक आई थी जिसमें परमैन नंबर 5 का बंदा आया, लेकिन देखो जिसमें मैं बता दूँ जी कुछ ही समय के लिए था परमैन नंबर 5, क्योंकि ये बच्चा था और किसी मजबूरन बर्डमैन को इसे परमैन बनाना पड़ा। तो और इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछते हैं कि ये कॉमिक आपने कहाँ से लिए, ये स्टोरी फेक है, जे आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं बता दूं जे रियल स्टोरी है, रियल है। तो मैंने इसको जैपनीज मांगा से देखा है, तो आप विश्वास करना, अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आपकी वो है। तो और मैं जो बताने वाला हूँ कि मेरे पास पूरे पेज नहीं है, तो बीच बीच में ब्लैंक आएगा, यानी ब्लैक पेज आएगा, तो उसमें कुछ चित्र नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, देखो कहानी जहाँ से शुरू होती है, मित्सु है, वो अपना काम से लौट रहा होता है, इधर उधर देख के वो बैठ रहा है, बहुत पसीने से थका हुआ, तो वो अपनी जगह बैठने वाला है, नीचे उतर के बैठा, तैसे ही वो उचक जाता है, उसका मास्क नीचे गिर जाता है, वो जल्दी से मास्क निकाल के उठा के पहन लेता है, और मास्क उठा के पहन के वो देखता है वहाँ कौन, वहाँ तो एक बच्चा था, वो रहता है कि हाँ बच्चा था ये तो सिर्फ, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, पर आप जानते नहीं हो ये बच्चा कितना बड़ा शैतान है। तो ये बच्चा इसमें छोटा बताया गया है, लेकिन वो इतना छोटा नहीं, बोल सकता है और सब समझ सकता है, इतनी समझ है, और वो समझ जाता है कि मित्सु परमैन है। तो अब वो मित्सु को बोलता है कि मैं तुम्हारी सबके सच्चाई बता दूंगा कि तुम परमैन हो, तो मुझे भी परमैन बनना है, जल्दी बनवाओ। जो मित्सु है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ये बातें सुन के, वो सीधा अपने घर पे जाता है, सब कुछ सोचता है, और फिर वो फैसला लेता है कि मुझे बर्डमैन से बात करनी चाहिए, और फिर जाके वो बर्डमैन के पास जाता है, वो बर्डमैन उसके घर के बाहर ही खड़े रहते हैं, तो वो कहता है बर्डमैन से, तो बर्डमैन को जो जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ बता देता है, बताओ परमैन क्या हुआ, तो वो सारी जो जो बातें हुई होती हैं वो सब कुछ कहता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और है ना तुम अपनी जो बर्डमैन से कहता है तुम्हारे पास जो गन है उससे उसकी याददाश्त मिटा दो, वो सब भूल जाएगा। आप जानते होंगे बर्डमैन के पास एक गन है जिससे वो याददाश्त वगैरह मिटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बर्डमैन बोलता है मेरे पास जो गन थी वो ख़राब हो चुकी है, वो अब सुधरने डली है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये बात सुन के मित्सु काफ़ी हैरान हो जाता है, क्या अब क्या होगा मेरा। तो अब वो बर्डमैन है, वो बर्डमैन कहता है अब तुम जाओ और उसको लेके आओ, हाँ मैं पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो जाता है और पार्क में वो पाको को बोलता है कि ऐसा ऐसा एक बच्चा है, उसको क्या तुम जानती हो? तो पाको कहती है हाँ वो बच्चा मेरे घर के ही पास में रहता है, तो मैं उसको काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, तो वो लेके आती है। अब वो पार्क में आ जाती हैं, और जब तक बर्डमैन नहीं आया तब तक वो बच्चा काफ़ी परेशान कर लेता है उन सबको। पहले तो मित्सु के सर पर बैठ के घूमता है, फिर पाको का धीरे से हेलमेट उतार देता है, और पीछे से सब लोग देखने ही वाले होते हैं, लेकिन वो अपना ढक लेती है, बच्चे से काफ़ी ज़्यादा परेशान है सब लोग। और बर्डमैन वहाँ आ जाता है और उसको परमैन बनने का पूरा किट दे देता है उस बच्चे को। पायान पूछता है कि ये सही रहेगा इतने से बच्चे को परमैन का किट दे के, कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा वो। हाँ बर्डमैन बोलता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जो पायान रहता है वो बोलता है कि पायान बोलता है आप जाओ और अपनी गन से दरवा के लाओ, तो हम सब इस पर नज़र धरेंगे और हम इसको संभालेंगे। और आपको पता है वो जो बच्चा है वो परमैन की किट पहनते ही भागता है, कोई पकड़ नहीं पाता, वो सीधे पाको के पास आ जाता रहता है। वो बच्चा पाको को भी पहले से ही जानता है, उसकी असलियत भी जानता है, इसलिए वो पाको के पास आ जाता है, जब भी उसको कुछ करना होता है वो पाको के पास आ जाता है। और जो परमैन नंबर 5 है वो है तो एक बच्चा, वो पाको के ऊपर टॉयलेट कर देता है, और वो पाको काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाती है उस बच्चे से, लेकिन वो है तो एक बच्चा तो टॉयलेट तो करेगा ही, और टॉयलेट करके भाग जाता है। पाको रो रही होती है, बर्डमैन भी सोचता है क्या मैंने सही करा इसको, परमैन की वो देखे पोशाक, तो वो भी उसको पकड़ रहा होता है, सब पाको रो रही है। और फिर जो बर्डमैन होता है वो पूछता है फोन लगा के क्या मेरी जो गन है वो सही हो रही है या नहीं, वो उसको देख रहा होता है और फिर बताता है सबको हाँ अब उसमें एक दिन लगेगा सिर्फ, तो तुम सब अभी जाओ और मैं बताता हूँ ये किसके साथ रहेगा बच्चा कैसे रहेगा, ठीक है।
और वो पाको से बोलता है, और तुम उसको जानती हो, उसकी मम्मी को जानती है, तो उससे घर वालों से बोलो कि वो एक दिन के लिए मेरे पास रहे, ठीक है, और मैं उसका रहने की व्यवस्था तुम जानो। तो सब मिल बाट के वो कहती हैं कि पायान कहता है सबसे पहले, पायान बोलता है कि ये मुसीबत तुम्हारे चक्कर में आई है तो तुम ही इसको रखो। और वो बोलती है पाको कि मैं किसी को अपने घर पे रख नहीं सकती, ठीक है, और वो भी बोलता है मैं भी किसी को अपने घर पे नहीं रख सकता, तो अब तुम ही संभालो इसको। फिर परवन चिल्ला के बोलता है हाँ मैं क्यों डरूं इस बच्चे को, मेरे साथ क्यों रहेगा ये बच्चा। हाँ फिर पीछे से जो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं परवन सुनो, अब ये तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुम ही इसको डरोगे। अब सब खुश है क्योंकि सबके गले से मुसीबत उतर चुकी है और वो परवन के घर है, तो परवन काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुँच चुका है। तो अब वो सब जा रहे हैं अपने घर और वो बोलते हैं बच्चे से कि तुम भी परवन के साथ जाओ, आज तुम उसी के साथ रहोगे। तो बच्चा काफ़ी खुश है, उसका नाम नहीं बताया। तो दोस्तों मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने अभी तक उसका नाम भी नहीं बताया अभी आप लोगों को, तो मैं उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम है यमादा, तो उसका नाम है यमादा, वो जैपनीज है तो उसका नाम भी जैपनीज ही है, जी यमादा जैपनीज मंगा का है। तो अब सब अपने अपने घर पहुँच चुके हैं और परवन के साथ है यमादा बेबी, हम उसको बच्चे ही बोलेंगे, बेबी परवन। फिर जो परवन है वो बर्डमैन को पूछता है कि कितनी टाइम और लगेगा अगला दिन होने के बाद, तो बोलता है शाम तक रुक जाओ, बस शाम तक उसका ख्याल रखो। तो अगले दिन वो मित्सु स्कूल जाता है और बच्चे को घर पे ही छोड़ जाता है, और मित्सु स्कूल पहुंचता है तैसे ही उस बच्चे को कॉल आता है, यानी उसके परवन बेच पे वो जल्दी से उठ के उस अपना रोबोट धर के वहाँ निकल जाता है, स्कूल के ऊपर ही वो बैठा है। वो कहता है कि मुझे बचाओ, मेरे पास एक गुंडा आ चुका है मुझे मारने के लिए। वो ऊपर पहुंचता है तैसे ही देखता है कि वो गुंडा तो पिटा डाला है, डर के बैठ रहा है, और वो परवन काफ़ी हैरान होता है। आप सही में इस बच्चे को नॉर्मल मत समझना, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, परवन वगैरह उसे परवन 1-2-3 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर शाम तक वो अकेला रहता है, तो क्योंकि जो परवन होता है वो तो अपने स्कूल में होता है, तो वो खेल रहा होता है। पीछे से कुछ गुंडे उस बच्चे को खेलते हुए देख लेते हैं, तो दो गुंडे रहते हैं, वो प्लान बनाते हैं इस पर, तो परवन का मास्क वगैरह, उन्हें पता रहता है कि परवन कितना ताकतवर है, वो सिर्फ उनसे मास्क और चोगा के चक्कर में, तो वो उसका प्लान बनाते हैं कि उससे वो मास्क वगैरह छुड़ा ले, पहले उससे दोस्ती करने का प्लान करते हैं। वो उसको एक चमकती हुई घड़ी देते हैं जिससे वो दोस्ती करते हैं, वो कहते हैं बच्चे ये लो घड़ी तुम्हारे लिए और तुम हमसे दोस्ती कर लो। फिर वो बच्चे से दोस्ती करने के बहाने उसका पीछे से जाके सामान वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा आपको पता है कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो बच्चे एक देता है, वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं और उनकी घड़ी को ही गले में बांध के चला जाता है। वो बच्चा जाता नहीं है, वो फिर आके एक उनमें पंच देता है, सॉरी मेरे पे अंग का एक पेज नहीं है, तो वो उसमें एक पंच देता है और बोलता है कि फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है मदद के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं तो वो उनसे डर जाता है, बच्चा है वो सिर्फ एक। तो जब तक उसके सारे साथी आते हैं तब तक तो उसने उसकी बैंड बजा हुई चुकी है, इसकी बैंड बज चुकी है गुंडे की, तो अब और फिर वो जेल में चला जाता है। और जब बर्डमैन उसके बारे में सुनते हैं कि उसने ऐसा ऐसा किया, तो फिर वो कहते हैं कि अब जब बड़ा होगा तब असली का इसको परमैन बनाया जाएगा, तो अभी तो इसकी ट्रेनिंग करवाओ तुम 1-2 दिन के लिए। बर्डमैन बोलता है कि अब जब बड़ा होगा जब असली का परमैन बनेगा अभी इसकी मित्सुओ तुम ट्रेनिंग करवाना। मित्सुओ सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि देखो उसकी वो ट्रेनिंग करवाए उससे उसकी पट भी नहीं रही। और फिर बर्डमैन वहाँ से निकल जाता है बाय करके, वो कहता है सिर्फ 1 दिन और इसको रखो परमैन के रूप में। तो यहीं पर कहानी की एंड हो जाती है, और ये 2 कॉमिक आई थी, मतलब आई 1 थी लेकिन उसके चैप्टर 2 थे। तो ऐसा ही होता है, उसके बॉल आते हैं 1-2-3-7 बॉल आए हैं परवन के, जिसको मैंने आपको सुनाया। और ये परवन का जब लास्ट एपिसोड मैंने सुनाया था उसके काफ़ी टाइम पहले आई थी, मतलब 1-2 कॉमिक के पहले, तो ये असली है, इसको रियल माना गया है, माना नहीं ये रियल ही है, तो इसको आप सीरियसली लेना, मतलब यकीन करना मेरी बातों पर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये रियल की कॉमिक है। और हाँ दोस्तों, ये कहानी में कुछ ज़्यादा अजीब लगा, जिस कहानी का ऑफिशियल फोटो है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि
इसमें जैपनीज में कुछ लिखा है और संग में 2013 लिखा है, तो ये रिलीज की डेट है या क्या है? जहाँ मैंने ऑफिशियल इसको पढ़ा था, वो वेबसाइट पर डेट डली थी इसकी 2009, तो ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा कि कब ये रिलीज़ हुई थी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत खास एपिसोड है। और दोस्तों जी, आप जिसका फोटो देख रहे हैं कार्टून में, ये वही है जिसने परमैन की कॉमिक लिखी है, और परमैन की ऑफिशियल स्पेलिंग भी यही है, PARMAN, परमैन, यही है इसकी ऑफिशियल स्पेलिंग। तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं भी ए लगाता हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ पे ए देखा था इसलिए मैं ए लगाता हूँ। बहुत से लोग ई की कहते हैं ई लगाया करो, तो मैंने सारी वीडियो को एडिट करके ई लगा दिया। तो बस अभी के लिए इतना ही, और आगे मुझे कुछ नई मांगा, मतलब पुरानी मांगा, अच्छी स्टोरी मिलेंगी तो मैं उनको डाल दूंगा स्टोरी बना के ऐसे ही। और भी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। आपको ऐसी परमैन से और ड्रैगन बॉल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, कार्टून से रिलेटेड। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, गुड बाय।